हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 3, राइट। ये हमें प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो इसमें हमें जो ऑपरेशन करना है वो देखिए आप, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें यह क्या करना है कि भाई कि फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द थर्ड कॉलम, बट थर्ड कॉलम को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मींस c1 माइनस बी c3। ये ऑपरेट कीजिए, ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2b स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो इट विल कम आउट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर व्हिच विल गिव 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको भी आपने b से ही तो मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 0। फिर इसको आपने b से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, 2b माइनस बी इंटू दिस वन, जो कि सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ये आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें a से और फिर सेकेंड कॉलम में ऐड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो a से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस 2ab माइनस 2ab, क्योंकि ऐड किया है आपने तो इट विल कम आउट 0। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर व्हिच विल गिव 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए माइनस 2a प्लस a इंटू दिस वन, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये पूरी डिटर्मिनेंट आएगी। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसमें से b कॉमन लीजिए। जब हम b कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम से आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए सेकंड कॉलम में यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसमें से माइनस से जब कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि सेकंड कॉलम में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप बाहर ले सकते हैं। तो इससे भी आपने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर लिया है, इससे भी आपने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर लिया है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंदर क्या रहेगा, जब आप इससे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये b हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंड कॉलम में 0 1 एंड इसमें से माइनस ए। फिर इसके बाद आपका थर्ड कॉलम में माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही रह जाएगा, राइट। ये आपका हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 3, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आ गया है। इसका मतलब ये पूरा जो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे को प्रूव करनी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले आता हूं तो हमारा जो है जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अब देखते हो कैसे आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप या तो इसको डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तब भी आ जाएगा। बट एक और स्टेप पे के बाद हम लोग एक्सपेंशन पे जाते हैं ताकि काम हमारा आसान हो जाएगा। आप क्या कीजिए, फर्स्ट रो को बी से मल्टीप्लाई करके इस थर्ड रो के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब आपको ऑपरेशन ये वाला करना है, r3 पे ऑपरेट कर रहे हैं, r3 माइनस बी r1 लगा के, राइट। तो क्या करेंगे, b से आपने मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, b माइनस बी 0, ये तो 0, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको भी आपने b से मल्टीप्लाई किया, इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये वाली बात अब आ गई। अब क्या करना है आपको, एक्सपेंशन पे आप चले जाइए। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि अब ये जो दे देगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर व्हिच विल गिव 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 3, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे करा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे वर्कआउट करना है। आपको प्रोसीजर ध्यान में रखना है ताकि आप वहां पे यदि प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी से जल्दी वर्कआउट कर सकें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं जो डिटरमिनेंट रिलेटेड है, और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ये आपका डिटरमिनेंट है x प्लस वाई एक्स एक्स, 5x प्लस 4y 4x 2x, 10x प्लस 8y 8x 3x। इस डिटरमिनेंट के लिए प्रूफ करें कि x क्यूब के इक्वल होगा। अब वो देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी हुए है बस, और एक ही स्टेप में हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट रो में 4 से मल्टीप्लाई करके। ये वाला ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। देख लीजिए ध्यान से, तो जब आप करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 4y माइनस 4x माइनस 4y, तो 4y कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, केवल x रह जाएगा, बिकॉज 5x माइनस 4x विल कम आउट x। अब इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करा था, तो 4x माइनस 4x विल गिव 0, 2x माइनस 4x विल गिव माइनस 2x, तो ये आ गया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दैट मींस ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है R3 माइनस 8R1 में। दैट मींस थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए अब 10x प्लस 8y माइनस 8x माइनस 8y, तो 8y कैंसिल आउट हो गया, 10x माइनस 8x विल गिव 2x। इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल कम आउट 0, 3x माइनस 8x विल कम आउट माइनस 5x। अब तो बहुत ही आसान है, आप इस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है केवल x ही तो रहेगा, ये दोनों तो 0 0 है, तो बात तो वहां पे होगी नहीं, उस तो 0 ही आना है। तो ये x, तो जब आप करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन इस पूरे डिटर्मिनेंट की, तो इट विल कम आउट दिस वन, जो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, माइनस x, इसके लिए माइनस x आएगा। अब आपको पता ही है कि x इंटू माइनस 5x फिर माइनस 2x इंटू माइनस 2x। सिंप्लीफाई दिस वन एंड गेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू x क्यूब। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। ऑपरेशन बहुत ही थोड़ा सा सोचना है ऑपरेशन के बारे में। जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो प्रॉब्लम हार्डली एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं जो डिटरमिनेंट का ही है, और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। तो हमारे को ये प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगी। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान में रखना है इसके अप्रोच को, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, आप फर्स्ट रो से ए बाहर निकालिए। तो जब फर्स्ट रो से आप ए बाहर निकालेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस 1 बाई ए, फिर बी एंड सी। सेकेंड रो से बी बाहर निकालिए और इसी तरीके से थर्ड रो से सी बाहर निकालिए, तो आपके पास फाइनल आ जाएगा ए बी सी। फर्स्ट रो में a प्लस 1 बाई ए बी सी, सेकेंड रो में a b प्लस 1 बाई बी एंड सी, थर्ड रो में a b एंड c प्लस 1 बाई सी। ये आपका आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को a से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड कॉलम को b से मल्टीप्लाई कीजिए एंड थर्ड कॉलम को c से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जब इसको a को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। बहुत सिंपल है। सेकेंड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर। थर्ड कॉलम को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गेट दिस वन सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आपके पास ये अब आ गया। अब बहुत आसान है। अब आप क्या करें यहाँ पे कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से ऐड कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है यहाँ पे, और यहां से आप ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, टेक आउट। बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + a² + b² + c² जो कि ये लाना है। साथ में एक और डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, साथ में और भी आया, क्या आया 1 1 1, क्योंकि जब आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम से 1 + a² + b² + c² बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 1 1 1, b² b² + 1, b² c² c² and c² + 1। इस तरीके से अब आ गया। अब आगे क्या करना है, ऑब्वियस बात है ये तो प्रूव हो चुका है, इसका अंदर डेफिनेटली इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अब ये करना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं और खुद वर्कआउट भी करना। आप फर्स्ट रो को सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आएगा, फर्स्ट रो में 1 - 1 0, इसमें आपका आ जाएगा -1, इसमें आपका आ जाएगा 0। फिर आप सेकेंड रो को थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0 1 and -1, तो यहां पे भी 0 आ गया, यहां पे भी 0 आ गया। अब इस फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दीजिए तो आपकी वैल्यू उस डिटरमिनेंट की जो मैंने अभी बताया वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। ये खुद घर पे प्रूव कर लेना, आप खुद वर्कआउट कर लेना आप। तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमने प्रूव कर दिया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 + a² + b² + c² के इक्वल है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना है इसका। अप्रोच खासकर ध्यान में रखना, अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अप्रोच ध्यान में नहीं रहा और वहां पे माइंड में क्लिक नहीं कर पाया पेपर में, तो ये प्रॉब्लम कर पाना इतना आसान नहीं रहता है, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट्स रिलेटेड एक प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे कहा गया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो प्रूफ करनी है वो 4 α² β² γ² के इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो से मैं अल्फा बाहर निकाल लेता हूँ। तो यदि मैं अल्फा बाहर निकालता हूँ फर्स्ट रो से तो क्या रह जाएगा, फर्स्ट रो में -α β γ। सेकेंड रो से बीटा बाहर निकालिए तो रह जाएगा सेकेंड रो में α - β and γ। थर्ड रो से गामा बाहर निकालिए तो रह जाएगा आपका α β and -γ। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से अल्फा बाहर निकालिए, सेकंड कॉलम से बीटा बाहर निकालिए, थर्ड कॉलम से गामा बाहर निकालिए। तो बाहर जो हो जाएगा α² β² γ², बाहर क्या हो जाएगा α² β² and γ²। और आपका डिटरमिनेंट के अंदर रह जाएगा, जब अल्फा बाहर निकालेंगे तो इट विल बी -1 1 and 1, बीटा को बाहर निकालेंगे तो 1 - 1 and 1, गामा को बाहर निकालेंगे तो 1 1 - 1। बहुत आसान है। अब आप क्या कीजिए कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें सेकंड कॉलम को ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स इसमें हम लोग इस कॉलम को ऐड कर देते हैं, राइट। तो यदि कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम में -1 + 1 0 1 - 1 0 और 1 + 1 will be 2। अब सिंपल सी बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 2, यहाँ पे रहेगा 1 into 1 - 1 into 1 which will give this 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 4 α² β² and γ²। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो ये प्रॉब्लम हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। आगे और कुछ प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिटरमिनेंट के नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रूफ करनी है twice of a + b + c raised to the power 3, राइट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखते हैं कैसे वर्कआउट करेंगे। देखिए यहाँ पे RHS में a + b + c है, तो हमारे को यहाँ पे a + b + c किसी भी तरीके से इनके कॉलम या रो में लेके आना होगा। तो करेंगे क्या, देखिए बहुत आसान है, दिख रहा है आपको। फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको। यदि मैं ऐड करता हूं तो ये आएगा आपका a + b + 2c + a + b which will come out twice of a + b + c। इसमें कितना होगा c + b + c + 2a + b which will come out twice of a + b + c। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका आ जाएगा twice of a + b + c, राइट। twice of a + b + c को फर्स्ट कॉलम से मैंने बाहर निकाल लिया। यदि आप बाहर निकाल लेते तो आपके पास रहेगा twice of a + b + c बाहर आ गया। अंदर क्या रहेगा आपका 1 1 1, यहाँ पे बाकी जो आपके सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम रह गया। अब आपके पास twice of a + b + c तो आ ही गया है। अब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी रेस्ट टू द पावर 3 प्रूव करना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो मुझे निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकेंड रो से घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट मीन्स 1 - 1 0, a minus b minus c minus 2a which will give minus b minus c minus a। अब b minus b will be 0, तो वही वाली बात हो गई। इसमें आगे आपका फर्स्ट रो में 0 minus b minus c minus a and 0। ये किस ऑपरेशन से है? ये इस ऑपरेशन से है कि जो r1 है उसमें r2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से r2 को r3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जब ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 b plus c plus 2a minus a, so it will come out b plus c plus a, b minus this one which will come out minus c minus a minus b, right। अब इसको सिंपल सी बात है, कैलकुलेट ही तो करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपके पास ट्वाइस a plus b plus c तो आ ही गया, ये यहाँ पे रख दीजिए। अब जब करेंगे आप तो 1 एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 1 into this one minus this one, जब this one and this one will be multiplied तो it will give, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस इससे बाहर आएगा, इससे ही माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये a प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी प्लस सी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 देगा। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रही है, और ये पहले से हमारे पास ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी है ही, तो जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूल गेट RHS ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 3, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को वर्कआउट किया जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर। अब हम लोग डिटरमिनेंट के नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रूफ करनी है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखते हैं कैसे वर्कआउट हो सकता है। सबसे पहले देखिए a प्लस बी प्लस सी ये बाहर कैसे आएगा इस डिटरमिनेंट में से। देखिए ध्यान से यहाँ पे थर्ड रो को देखिए, b प्लस सी, सी प्लस ए एंड a प्लस बी। अब पहले रो में देखिए a, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। अब मैं थर्ड रो में फर्स्ट रो को ऐड कर दूं तो हमारा काम बन सकता है। तो हमने सबसे पहले ये ऑपरेशन करना है। जब इस ऑपरेशन को करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब थर्ड रो में हो जाएगा आपका बी प्लस सी प्लस ए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड रो के को हम लोग ऐड कर रहे हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट से। तो b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है। टेक आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम द थर्ड रो। जब इसको ले आते हैं बाहर तो हमारे पास ये रह जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। अब आपको दिख रहा होगा कैसे काम करना है। अब देखिए आगे a माइनस बी यहाँ पे आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी कैसे आ सकता है? आप ये कर सकते हैं कि जो c1 है c1 को हम लोग c2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम बन जाएगा। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 - 1 0, तो यहाँ पे यही कर दिया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। उसी तरह से c2 को c3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। मतलब ये दोनों ऑपरेशन हमने करा है। जब आपने ये दोनों ऑपरेशन करा तो ये वाली बात आ गई आपके पास। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से मैं फर्स्ट कॉलम से मैं a माइनस बी बाहर ले सकता हूं, सेकेंड कॉलम से मैं b माइनस सी बाहर ले सकता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा फाइनली, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। a माइनस बी यहाँ से बाहर आ गया तो 1, और यहाँ रह जाएगा a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी रह गया यहाँ 1, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो b माइनस सी बाहर आ गया तो रह गया b प्लस सी, सी सी स्क्वायर एंड 1। तो ये पूरा आपका डिटरमिनेंट आपका बन गया आफ्टर टेकिंग आउट a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम दिस वन, राइट। अब आपको क्या लाना है, c माइनस ए लाना है। अब इसको एक्सपेंशन पे चले जाइए। जब एक्सपेंशन पे करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी तो रहेगा ही 1, क्योंकि ये तो 0 0 है, इससे कोई लेना देना ही नहीं आपको। 1 इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमने एक प्रॉब्लम कराया। अब और कुछ प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब हम लोग एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिटर्मिनेंट का ही है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमारे को कहा गया कि यस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है प्रूफ करनी है, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, ए प्लस बी को यदि मैं बी प्लस सी या सी प्लस से ऐड कर दूं, उसी तरह से इसको इन दोनों से ऐड कर दिया है, उसी तरह से इसको इन दोनों से ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्योंकि यहां पे 2 है तो इसलिए यहां से यदि मैं पहले कॉलम से 2 निकाल लेता हूं तो मेरी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, 2 तो आ ही गया, बाकी चीज जो रह जाएगा डिटरमिनेंट उसको इसके इक्वल प्रूफ करने की सरदर्दी रह जाएगी। तो देखिए यहां पे ऑपरेशन क्या गया, ऑपरेशन किया गया है कि C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज द ऑपरेशन व्हिच इज परफॉर्म्ड। यदि मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूं, कहने का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से ऐड कर दिया जाए तो यू विल गेट दिस वन। 2 बाहर आप लीजिए, 2 बाहर ले लीजिए। तो 2 बाहर लेने के बाद ये ना करना कि ए प्लस बी प्लस सी को ही बाहर ले लें, ले तो सकते हैं आप, लेकिन फिर आगे वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो 2 को मैंने बाहर ले लिया तो 2 बाहर आ गया। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बाहर लेते हैं तो ऐसा कुछ प्रूफ करने की तो बात ही नहीं करी गई है ना। वो तो तब करते जब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी रहता, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए केवल 2 को मैंने बाहर लिया। अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। अब सोचिए जरा कैसे आएगा ये इस तरह का रिजल्ट। तो देखिए ध्यान से, बी प्लस सी को मैं यदि इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो माइनस ए आ जाएगा, सी प्लस ए को इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस बी आ जाएगा, इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस सी आ जाएगा। इन द सिमिलर वे यदि मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा। मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। अगला जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो कुछ दिख रहा है ऐसा कि अब आ रहा है कुछ, लेकिन जो पहला कॉलम है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो कैसे दिखेगा, देखिए माइनस ए माइनस बी दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो जब ये करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सी, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी ऐड करेंगे तो क्या आएगा ए, यहाँ पे माइनस सी माइनस ए ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बी। मतलब क्या हो गया कि अगला ऑपरेशन हमारा ये वाला, पहले कॉलम में ऐड कीजिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को, जब ये करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब बिल्कुल आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ तो माइनस है नहीं कहीं पे, तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस बाहर ले सकते हैं, इससे भी माइनस बाहर ले सकते हैं। दैट मीन्स C2 और C3 दोनों से मैंने माइनस माइनस बाहर ले लिया, मतलब -1 और -1 C2 और C3 से क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया। जब उसको बाहर लेंगे तो -1 into -1 will be +1, तो ये रह जाएगा 2। और रह क्या जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट CAB CAB ABC ABC BCA BCA, राइट। अब आगे देखते हैं, बट अभी प्रूफ नहीं हो पाया, बट अब तो प्रूफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एबीसी है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉलम में एबीसी है। तो एक ही तरीका है कि इंटरचेंजिंग द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, द C1 और C2 को इंटरचेंज कर लिया। जब इंटरचेंज करते हैं तो आगे डिटरमिनेंट पे क्या लग जाता है, -2, माइनस साइन लग जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो एबीसी, ये वाला जो आपका है सीएबी वो आपका सेकंड कॉलम में आ गया, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हो पाया। अब देखिए थर्ड कॉलम में सी ए बी है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेकंड कॉलम है, अब थर्ड कॉलम उसको फिर से इंटरचेंज कर लेते हैं, उसे इंटरचेंज कर लेते हैं, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। जब इसे इंटरचेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे -2 को -1 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट 2 एंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट विल कम आउट, जो हमें प्रूव करना है, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, तो एक बार इसका जो अप्रोच है उसे ध्यान में रखना, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के बारे में, कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं रखते हुए। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है ये, आप खुद से घर पे वर्कआउट कर लेना। और ये प्रूफ क्या करना है वो देखिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रूफ करनी है ट्वाइस ऑफ दिस डिटरमिनेंट।